हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अनंतपुरा के बारे में। श्री सत्य साई बाबा का जन्म स्थान अनंतपुर आंध्र प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि एक ओर इतिहास और आधुनिकता का संगम दिखाता है और दूसरी ओर तीर्थ स्थान और किलों के दर्शन कराता है। राज्य का सबसे बड़ा जिला अनंतपुर 19130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पूरा जिला अपने रेशम व्यापार के आधुनिक रूप के लिए जाना जाता है। पर्यटन की बात करें तो लिपाक्षी मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। सन 1800 ईस्वी तक अनंतपुर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था। अनंतपुर का संबंध थॉमस मुनरो से भी रहा है, जो यहाँ का प्रथम कलेक्टर था। अनंतपुर के समीप लिपाक्षी ग्राम अपने अद्भुत भित्ति चित्रों युक्त मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लिपाक्षी मंदिर। लिपाक्षी वास्तव में एक छोटा सा गांव है जो अनंतपुर के हिंदूपुर का हिस्सा है। यह गांव अपने कलात्मक मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिनका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर शैली के मंदिरों का सुंदर उदाहरण लिपाक्षी मंदिर है। विशाल मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं। भगवान वीरभद्र का रौद्रावतार है। भगवान शिव नायक शासकों के कुल देवता थे। लिपाक्षी मंदिर में नागलिंग के संभवतः सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। भगवान गणेश की मूर्ति भी यहां आने वाले सैलानियों का ध्यान आकर्षित करती है। पेनुकोंडा किला। इस विशाल किले का हर पत्थर उस समय की शान को दर्शाता है। पेनुकोंडा अनंतपुर जिले का एक छोटा सा नगर है। प्राचीन काल में यह विजयनगर राजाओं के दूसरी राजधानी के रूप में प्रयुक्त होता था। पहाड़ की चोटी पर बने यह किला नगर का खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। अनंतपुर से 70 किलोमीटर दूर यह किला कुर्नूल बंगलूर रोड पर स्थित है। किले के अंदर शिलालेखों में राजा बुक्का प्रथम द्वारा अपने पुत्र वीरा बरिपुन्ना उदयार को शासन सत्ता सौंपने का जिक्र मिलता है। उनके शासन काल में इस किले का निर्माण हुआ था। किले का वास्तु इस प्रकार का था कि कोई भी शत्रु यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। गेरामंची द्वार से प्रवेश करने पर भगवान हनुमान की 11 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा दिखाई पड़ती है। 1575 में बना गगन महल शाही परिवार का समर रिजॉर्ट था। पेनुकोंडा किले के वास्तुशिल्प में हिंदू और मुस्लिम शैली का संगम देखने को ही मिलता है। रायदुर्ग किला। रायदुर्ग किले का विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। किले के अंदर अनेक किले हैं और दुश्मनों के लिए यहां तक पहुंचना असंभव था। इसका निर्माण समुद्र तल से 2727 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। मूल रूप से यह बेदारों का गढ़ था, जो विजयनगर के शासन में शिथिल हो गया था। आज भी पहाड़ी के नीचे किले के अवशेषों में अवशेष देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि किले का निर्माण जंग नायक ने करवाया था। किले के पास 4 गुफाएं भी हैं, जिनके द्वार पत्थर से बने हैं और इन पर सिद्धों की नक्काशी की गई थी। किले के आसपास मंदिर भी हैं, जैसे नरसिंह स्वामी, हनुमान और लम्बा मंदिर। यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा प्रसन्ना, वेंकटेश्वर, वेणुगोपाल, जम्बुकेश्वर, वीरभद्र और कन्यक परमेश्वरी मंदिर भी यहाँ हैं। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।